वार्ड नंबर 29 के श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में लगाया गया चौथा वैक्सीनेशन कैंप। 18 वर्ष व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले 300 लोगों को लगी कोवैक्सीन की पहली व दूसरी डोज। शनिवार को वार्ड नंबर 29 में श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में दक्षिण विधायिका अनीता बदेल व चिकित्सा प्रशासन के सहयोग से लगातार चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। आज के वैक्सीनेशन कैंप में कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। शिविर में लगभग 300 लोगों के लिए कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई थी। चंद्रोदय नगर और अजय नगर डिस्पेंसरी के चिकित्साकर्मियों ने शिविर में आए लोगों का वैक्सीनेशन कर उन्हें राहत प्रदान की। श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास उदासीन ने बताया कि विधायक अनिता बदेल के प्रयासों में अजय नगर सिंधी समाज के सहयोग से यह चौथा शिविर लगाया गया है, जिसमें आज 300 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाकर लाभान्वित किया गया है। महंत स्वरूप दास उदासीन ने सभी आमजन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। हरिओम, ये आज चौथा शिविर श्री ईश्वर उदासीन आश्रम में लग रहा है श्रीमती अनीता बदेल के अतिथि प्रयास से। वे अजय नगर सिंधु समाज के द्वारा मिलकर ये जो कोविड-19 का जो शिविर है ये लग रहा है, और इसमें अनेक लोगों ने आके भाग लिया है। कम से कम इस शिविर में पहले भी 450 लोगों ने भाग लिया है और आज भी 300 वैक्सीन लगेगी। और बरसात का मौसम है, लोगों का आना जाना जारी है। परमात्मा की कृपा से सब जने लोग लाभ ले रहे हैं। हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे तो सभी वैक्सीन का लाभ लें। जहां पर भी लग रही है, अपनी शिक्षा और खुद के परिवार की शिक्षा जरूरी है। और सभी डॉक्टरों का, अनिता बदेल जी का और अजय नगर सिंध समाज का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो परमात्मा की सदा ऐसी सेवा करती रहे। हमारे स्वामी महंत स्वरूपदास जी की प्रेरणा से ये चौथा शिविर है। ये आज जो लग रहा है वो कोवैक्सीन है। पहले हमने कोवैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद दो डोज कोविशील्ड के, आज कोवैक्सीन के। आज भी करीब 300 डोज आ चुके हैं, जिसमें बरसात के कारण भी अभी तक 200 डोज लग चुके हैं। और अनीता बदेल जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और हमारे समाज सेवक जितेंद्र रंगवानी का, जिन्होंने जिनके प्रयास से हमें लगातार हर हफ्ते 15 दिन में यहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। और मैडम काजल जेठनानी जी के सहयोग से भी ये कार्य हम कर पा रहे हैं।